हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कुछ लोगों ने मुझसे कुछ सवाल किए, कुछ ने कहा कि दी प्लीज हीलिंग के बारे में वीडियो बनाएं एक, और किसी ने कहा कि दी मैं मतलब अपने पार्टनर से उनकी किसी बात पे लड़ाई हो जाती है हमेशा, और वो चाहती है कि उनका रिलेशनशिप उनके पार्टनर के साथ हील हो जाए। किसी ने कहा दी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, वो नहीं हो पा रही है, मुझे आप उसके ऊपर वीडियो बनाएं, और बहुत सारे आई थिंक एक और कुछ है जिसमें हाँ ऐसे कुछ था, जॉब मैनिफेस्टेशन के ऊपर था, एक मैरिज मैनिफेस्टेशन के ऊपर था, एक प्रेगनेंसी के ऊपर मुझे वीडियो सॉरी मैं वो आया कि क्या ये हीलिंग, क्या ये सब चीजें मैनिफेस्ट करके दे सकती है दी, प्लीज इसको क्लियर करें। आपको मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले एक मेरा दिल्ली से एक कोई सब्सक्राइबर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, काफी उनकी बहुत ही ज्यादा यू नो उनकी हालत खराब थी, और कई सालों से ऑलमोस्ट वो बच्चा CA बनना चाह रहा है, और वो CA बनने के बजाय उस बच्चे की ऐसी थी कि वो डिप्रेशन का शिकार है। कल एक वेबिनार में ऐसा हुआ कि एक बच्ची जो है वो मतलब जब मैं उन लोगों को मेडिटेशन करवा रही थी ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए, कि जो मैनिफेस्टेशन में जो ब्लॉकेजेस है और जो भी सारी ब्लॉकेज, देखो सबसे पहले ना मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं आपको हील नहीं करने वाली, आप खुद आपको हील करोगे। ये अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपके ऊपर काम करने वाली हूँ, नहीं, मैं आपको डायरेक्शन देने वाली हूँ, आपका काम आप ही को करना है, बस मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगी, ठीक है, जो कि मैं सबको दे रही हूँ। और अगर कोई बोलता है ना अरे आप बैठो मैं सारा काम करके देता हूँ आपका, मैं सब करूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सब चीजों पर नहीं जाने का, ठीक है, ये बहुत बड़ा झोल है जो ये कहता है कि सब हम करके देंगे। देखो कोच का काम क्या होता है, कोच क्या करके देता है, कोच आपको जो आप वेबिनार्स ज्वाइन करते हो वो क्यों करते हो, कोच आपको रास्ता दिखाता है, आपके अंदर एक ऐसी चीज होती है, जैसे मैं अपने एग्जांपल के तौर पर बताऊंगी, उस लड़के में कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसका एक माइंडसेट उसका जो था ना वो गलत था, और उसके अंदर उस चीज को लेकर इतना शेम भर गया था, इतना शेम भर गया था, मतलब कि वो कोई भी एग्जाम अगर उसको 12th की एग्जाम भी देनी होती थी ना तो वो बहाने बनाता था कि मुझे नहीं करना है। CA जब बनने लगा तो उसका फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, नेक्स्ट ईयर से उसको प्रॉब्लम ये हो गई कि उसको मन ही नहीं करता था, उसके अंदर इतनी शेम भर गई थी, वो कहीं ना कहीं डीप रूटेड एक ऐसा बिलीफ उसके अंदर आ गया था। और साथ ही साथ क्या होता है ना, जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो जाने अनजाने में लोग हमारे अंदर ये सारे ट्रॉमास यू नो हम लोग पालते रहते और उस चीज को कभी हील नहीं करते, बस इग्नोर करते चले जाते हैं। तो सेम वे कल जो एक बच्ची के साथ हुआ, शी वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू रिजेक्शन, उसने इतना रिजेक्शन देख लिया कि आज उसको ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे भी जाऊंगी मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी, मैं डिजर्व नहीं करती हूं कोई चीज। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता चलता है, गुड पार्ट क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चलता है, आपको एटलीस्ट होप मिलती है कि चलो ये चीज करने से मेरी लाइफ में सुधार आ सकता है, मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। उस बच्ची ने कल एक बहुत अच्छी बात बोली, अगर आपको हीलिंग करनी है ना दी, तो पैसा अपने आप अरेंज हो जाता है वेबिनार का, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती, और वो कोई बहुत हाई क्लास फैमिली से नहीं बिलोंग करती है कि उसके लिए 999 बहुत इजी अमाउंट होंगी, उसका भी पैसा अरेंज हो गया। तो वो वही कह रही थी, और जब हम लोग मेडिटेशन कर रहे थे ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए, जब मेडिटेशन कर रहे थे तो उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगी, और वो लिटरली ऐसा हो गया कि वो मतलब स्टॉप कर दिया वीडियो। एंड देन जब मेरी उसके पर्सनल बात हुई, आज हुई और फिर कल भी हम लोगों की बात हुई उस टॉपिक के ऊपर, तो वो मुझसे यही कह रहे थे, वो सभी लोगों के सामने ये कह रही थी कि जो उनके जो पार्टनर थे उन्होंने छोड़ दिया, वो 6 साल का रिलेशनशिप था उसको रिजेक्ट करके उन्होंने अपने यू नो आगे बढ़ गए लाइफ में एंड ऑल दैट थिंग। तो बहुत सारी चीजें उसकी वो बताने लगी वो बात पे, और फिर जब मेरी आज बात हुई तो तब मुझे समझ में आया कि उसके पार्टनर की भी वो गलती नहीं थी जो वो चीज को फेस कर रही थी, वो कुछ और था जो कहीं ना कहीं उसके माइंडसेट को, कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन को बार बार उसके लाइफ में ला रहा था थ्रू हर पार्टनर, थ्रू हर डिफरेंट पीपल इन हर लाइफ। उसको ऐसा लगता था कि सब लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है। तो
देयर आर सो मेनी थिंग्स. और कोच क्या करता है, आपको वो जो चीज है जो आपको पता नहीं होती कि इस रीजन से मेरी लाइफ में ये सारी चीजें होती है, तो वो कॉज पकड़ के वो आपको देता है और फिर वो आपको कहता है कि वो ऐसे गाइड करता है कि वो आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली होने लगती है. तो वही चीज हम लोग वेबिनार्स में भी करते हैं. आप किसी के भी वेबिनार में ज्वाइन करोगे, आपको वो चीज करवाया जाता है. क्यों करवाया जाता है? चाहते तो आप बस बैठे रहो और हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है. हीलिंग आपको खुद करनी है. हम लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं. और ये रियलिटी, अगर कोई ये कहता है ना कि तुम बैठो मैं करके दूंगी तुम्हारा काम, तो वो ऐसे लोगों पे भरोसा मत करो, पैसा मत फंसाओ. ठीक है, अब ये बात आती कि हीलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल है कि दी क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्या मेरा ये हो सकता है, क्या मेरा वो हो सकता है. देखो, हीलिंग इम्पोर्टेंट किन किन लोगों के लिए मैं बताती हूँ आप लोगों को. अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हो, अगर आपको इमोशंस ही फील नहीं होते, आप खुश हो, आप कैसा फील कर रहे हो आपको पता ही नहीं चल रहा है, कोई इमोशनल जो बोलते हैं ना, आपका इमोशनल क्वेश्चन जो है वो जीरो है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप में क्या इमोशंस आ रहे हैं अभी, तब आपको हीलिंग की ज़रूरत है. क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, आपको हील करने की ज़रूरत है. अगर आप कभी खुश नहीं रह पाते हो, हमेशा ऐसा होता है कि कुछ खुश होते हैं और थोड़ी देर बाद आप फिर डाउन हो जाते हो, तब भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है. तीसरा, अगर आप कोशिश कर रहे हो कि आपके एफर्मेशंस काम करें, आपका माइंडसेट काम करे, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अपोजिट वे में काम कर रहा है, तब भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है. अगर आप सिर्फ फेलियर ही फेलियर अपने लाइफ में देख रहे हो, तो कुछ तो ऐसा रीज़न है, कुछ तो ऐसा थॉट है या ऐसा इंसिडेंट है आपके लाइफ में जो आपको होल्ड बैक कर रहा है. वो आपका पास्ट कार्मा है, उसको हील करे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते. एक बहुत अच्छी बात, पता है मैंने जब एक वेबिनार ज्वाइन किया था तो उसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी थी. कार्मिक साइकिल क्या होता है? मान लो कि आप कोई कार खरीदना चाहते हो और बगल वाले से आपने उधार लिए, ठीक है, अब उसका 5 लाख आपने उधार लेकर रखा है और आपने जाके उसको मिठाई का डब्बा दे रहे हो आप हाथ में ले जाके और बोल रहे हो अरे मेरे घर में नई कार आई है, तो वो सबसे पहले बोलेगा तुम नई कार लिए तो लिए कैसे, तुम्हें सबसे पहले मेरा अकाउंट क्लोज करना चाहिए था. और अगर आप जाके उसको ये भी बताते हो कि अरे यार मेरी जो कार है मैं खरीदने जा रहा हूँ, तो वो आपको कभी जाने भी नहीं देगा, क्योंकि वो तो चाहेगा ना कि उसका उधार पहले कंप्लीट हो तब आप आगे बढ़ो. द सेम वे इज विथ यू. आप जब तक के वो कार्मिक साइकिल को बंद नहीं करेंगे, आप जब तक के हीलिंग नहीं करेंगे, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही दे रहा है जो आप उससे मांग रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मांगना क्या है और कैसे मांगना है. जब तक कि आप हील नहीं होंगे, आपके नेगेटिव थॉट पॉजिटिविटी में नहीं बदलेंगे. इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप पहले ये समझे कि हीलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है. आप बस चाह रहे हो कि मेरा मैनिफेस्टेशन हो जाए, मेरे डिजायर्स फुलफिल्ड हो जाए, मुझे हर चीज मिल जाए, यूनिवर्स से मैंने मांगा है मुझे दे, यूनिवर्स आपको दे रहा है, लेकिन आप जो मांग रहे हो ना, क्या होता है, एक थॉट होता है. मान लो आप बीमार हो, एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप बीमार हो और आप कह रहे हो आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी. आप कितनी बार भी बोलते हैं ना रट्टू पोपट की तरह, आप बोलते रहो ये बात, लेकिन आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि अंदर में जो चीज चल रही है, जो थॉट चल रहा है, वो आपसे कह रहे नहीं तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो. तो आप क्या कर रहे हो, और रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो. सबसे पहले उस चीज को हटाइए कि तुम बीमार हो वाले जो थॉट है, जो माइंडसेट है, उसको आप हटाइए, तब जाके आपका जो आई एम हेल्दी वाला जो एफर्मेशन है वो काम करेगा. आप नीचे काम नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सरफेस पे पूरा काम हो जाए मेरा. सरफेस पे काम करने से नहीं होता है, इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है कई लोगों के लिए. हीलिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट. और दूसरों को हील करने से अच्छा है सबसे पहले खुद को हील करें. आपका माइंडसेट जब हील हो जाएगा, आपकी जब लाइफस्टाइल हील हो जाएगी, आपका जब बॉडी हील हो जाएगा, आपका माइंड, इमोशन, सारी चीजें हील हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके आसपास के रिश्ते, आपके आसपास की चीजें हील होना शुरू हो जाता है. लेकिन उसके लिए आपको खुद पे मेहनत करना जरूरी है. और ये जो वेबिनार मैं ला रही हूँ, हीलिंग वेबिनार, जिस किसी ने कहा कि 5 दिन में क्या हमारी हीलिंग हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, क्यों नहीं हो सकती. आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि मेडिटेशन के पावर को आप क्यों कम कर रहे हो,
आप क्यों सोच रहे हो कि ये जो हीलिंग मेडिटेशन जो आएंगे आपके लिए, जो टास्क आएंगे आपके लिए, वो आपको 5 दिन में हील नहीं करेंगे। माना कि वो आपकी हीलिंग उस दिन से शुरू होंगी और आपको मैजिक मिरेकल्स दिखना शुरू हो जाएंगे जिस दिन से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। कहते हैं ना, कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना करके आप चले जाओ, लेकिन आप जब जानमाज पे होते हैं, जब आप मंदिर में पहुंचते, पहला स्टेप लेते हैं ना, भगवान आपको तभी माफ कर देता है, क्योंकि उसको आपकी इंटेंशंस का पता होता है। ये मेरा बच्चा, ये मेरा बंदा आज आया मुझसे माफी मांगने, तो वो आपको माफ कर देता है। आप कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करे हो, उसको पता है कि आप किस इंटेंशन से आज बैठे हो, आज किस इंटेंशन से इस बंदा मेरे पास आया है। तो आप इंटेंशन सेट तो करे। 5 दिन बहुत है, मैं कहती हूँ 5 घंटे में हीलिंग हो जाती है। किसी ने कुछ बोल दिया, एक सेंटेंस अगर आपको पता चल गया, आपको रूट कॉज पता चल गया ना, तो आप 1 घंटे में हील हो जाते हो। हीलिंग का काम ही वही है। आपके इंटेंशंस क्या है वो इम्पोर्टेंट है, कि आप किस इंटेंशन से इस वेबिनार में बोलो, नहीं भी बोलो, आप किस इंटेंशन से वो चीज को कर रहे हो। तभी तो हम कहते हैं ना, इंटेंशन से, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो काम अच्छा होना ही होना है। इंटेंशन क्या है? आपका डीप रूटेड बिलीफ है, आपका डीप थॉट है, जो आप मानते हैं वो थॉट है। मेरा हाथ दुखने लग गया। ओके, सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ। और अगर सपोज, एक और चीज मैं ना आज अनाउंस करना चाहती थी, किसी ने कहा कि दी हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो मैं चाह रही हूं कि जो 3 सीट है, मतलब मैं सिर्फ 3 सीट के बारे में बात कर रही हूँ, 3 3, ओके 30 नहीं 3। मैं एकदम से, मुझे लगा कि नहीं, कुछ लोग सच में जेन्युइनली परेशान हैं, उनको मदद की जरूरत है। 3 सीट जो है उस पर मैं 50% डिस्काउंट दे रही हूँ। अब आप की मर्जी है, आप ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। जो 1555 है उसका हाफ अमाउंट ही आपको पे करना है, लेकिन सिर्फ 3 सीट है। और मैं ये प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप ने अगर मानो आपके पास वो पैसा है, 1555 रुपीज़ है, आप पे करने के लिए अफोर्डेबल है ये आपके लिए अमाउंट, और फिर भी आप 50% छूट लेना चाहते हो, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो, आप किसी का हक मार रहे हो। आप किसी का हक मारोगे, 1000 लोग आपका हक मारेंगे, ये याद रखना, ठीक है। सो अगर जो जेन्युइनली सच में परेशान है और जिसको चाहिए कि ये 3 सीट मैं अवेलेबल करवा रही हूँ, ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो सच में बेचारे, जो लोग नहीं भर पा रहे हैं, जिनके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस है रिलेटेड टू मनी, जो अपना रिलेशनशिप पैसों के साथ हील करना चाहते हैं। आई एम गिविंग देम 50% डिस्काउंट, एंड विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ। बाय बाय।